इनकी खरीदारी 184 लेवल के आसपास से है, वहां से देखे तो स्टॉक सिर्फ 6% ही नीचे आया है। पिछले शायद 10-12 सेशन से हम देख रहे हैं कि थोड़ा साइडवेज में जा रहा है, और लॉन्ग टर्म में देखे तो जुलाई की भी शुरुआत जब हुई थी तब से ही एक ब्रॉड रेंज में भी दिख रहा है साइडवेज जाते हुए, क्योंकि उसके पहले काफी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आ चुका था। तो यहां पर आपकी क्या राय बन रही है, 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं अभी भी? जिस हिसाब से इनका यहाँ पे 2 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड करना बनता है। अगर आप वीकली स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखें तो 150 रुपए का भाव है, जहाँ पे स्टॉक ने पहले भी एक बार एक टेस्ट करा था, और कल की सेशन में जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिली तो वहीं से स्टॉक ने एक अपना सपोर्ट लेवल टेस्ट करा और वहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो डेफिनेटली इनका स्टॉप लॉस, हालांकि जिस हिसाब की रेंज चल रही है तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पे डीप बनता है। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ में 140 का यहाँ पे स्टॉप लॉस खास करके लगाना पड़ेगा। जैसे 140 का लेवल ये स्टॉक ब्रेक करेगा तो इसके अंदर जो गिरावट है वो यहाँ पे 100 रुपए तक की भी देखने को मिल सकती है। बट जब तक ये लेवल यहाँ पे स्टॉक के अंदर बरकरार है, डेफिनेटली एक ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश साइड का बना हुआ है, बने रहे। ऊपर की तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 210 का लेवल पार करेगा इसके अंदर फ्रेश खरीदारी भी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट स्टॉक का यही एक पॉइंट है जहाँ पे स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस दिखाया है, तो 210 के लेवल को खास करके ध्यान में रखें और पोजिशन को होल्ड करें।